टेस्ट की। टेस्ट? यस टेस्ट। इतना घबराइए मत, ये टेस्ट आज नहीं कल है। पर सर, चैप्टर तो आपने कल ही पढ़ाया था ना? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी किसी ने कहा था कि एक्सेल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहां के प्रोफेसर से ज्यादा स्मार्ट है। गुड लक, क्लास डिसमिस। टू गुड, क्या स्टाइल है, ऐसा ही होना चाहिए। रोहन, कैंटीन चले? देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी? बास्केटबॉल? हाय। हाँ? तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मुझे? नहीं तो? क्या लिखा है? बास्केटबॉल टीम? मैंने तो अभी तुम्हारे सामने पढ़ा है। बास्केटबॉल टीम बन रही है, और वो भी सिर्फ गर्ल्स टीम। Really? हाँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, है ना? हाँ, मतलब काम के साथ साथ किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना अच्छी बात है। फिटनेस की फिटनेस, और साथ में स्ट्रेस भी कम हो जाता है। काम के साथ साथ? ओके। लेकिन अगर कोई सिर्फ खेलना चाहे तो उसे गुंजन भूषण की काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। वैसे नॉर्मली लोग ऐसा करते नहीं है। आई मीन स्पोर्ट्स एज अ करियर अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए। नॉर्मली लोग एक स्टेबल करियर ढूंढते हैं। बस 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 बस, समझ गया। अच्छा, अब शाम को कॉफी पीने चले? अब नहीं, वो आज मेरे कुछ काम है, सॉरी। अच्छा ओके, मैं चलती हूँ, बाय। समझदार सम्राट शेर की कि तू नॉर्मल नहीं है, नहीं। जी, मुझे एक बात बताइए, क्या सचमुच ऐसा होता है कि लड़के जिन लड़कियों को लाइक करते हैं उन्हें भाव नहीं देते? आई मीन जस्ट फॉर इफेक्ट। लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। तुम्हें ये दिखाएंगे कि उन्हें लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन असल में उन्हें पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे इंटरेस्ट होती है। माय गॉड, रियली रियली दी, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। हाँ, प्लीज जाकर तैयारी कर लो करके टेस्ट के लिए, ठीक है? Yes, sports shoes. I missed you. Thanks, Tomo. I'm back to Excel. Trusty ki headset se nahi, balki basketball coach bankar. Samrat. सम्राट, तुम नीचे क्या कर रहे हो? वो मैं टेबल साफ कर रहा था, टेबल के नीचे बहुत डस्ट है ना। एनीवे, व्हाट्स अप? शूज कहाँ है? शूज
कौन से शूज? कैसे शूज? यहाँ कोई शूज नहीं है। सम्राट, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? मेरे शूज? मेरे शूज तो, मेरे शूज, मेरे शूज शुभाइट हुई है ना, शुभाइट हुई है। शुभाइट? तुम यहाँ रोको, मैं तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। नहीं, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बोला, तुम्हें कुछ काम था? हाँ, वो पूछना था कि तुमने मेरे साथ कॉफी पीने के लिए मना क्यों किया। वो नर्वस होना। नर्वसनेस? तुम्हारे साथ कॉफी पीने में कैसी नर्वस था चश्मेश? सम्राट, आज तुम्हारी क्लास का पहला दिन है ना, इसलिए नर्वस हो। बहुत नर्वस हूँ, इतना नर्वस हूँ कि नर्वसनेस में जूते पहनना भूल गया। जूते? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें शू बाइट हुआ है, इसलिए तुमने जूते नहीं पहने। हाँ, नर्वसनेस है ना, तो इसलिए शू बाइट हो गई। और इसे शू इसलिए शूज अब छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। और बताओ। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या? आज क्लास में तुम्हारा टेस्ट होगा, अब तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए। अब इसलिए तुम्हें घर जल्दी जाना होगा। और तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे डेस्क पर सारे नोट्स छोड़ दिए, बस तुम घर जल्दी जाओ। हाउ स्वीट। एक काम करते हैं ना, अब साथ में चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे बुक से शुक्र आनी है ना। क्या तुम्हारा मतलब है कि सुबह से जिस काम के लिए तुम आए हो, तुमने अब तक वो काम किया नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन घर जल्दी जाना। ओके प्रॉमिस। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। बचा लिया, थैंक यू। बास्केटबॉल कंपटीशन? वाओ, बास्केटबॉल कंपटीशन, दैट टू फॉर गर्ल्स, कूल है ना? बहुत एक्साइटिंग है, बहुत मजा आएगा। मयंक सर, रोहन, नोटिस बोर्ड में देखो, ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सेफली लॉकर रूम में रख देना। ओके सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। थोड़ी पर्सनल है। ऑब्वियसली, पढ़ाई की बात तो तुम मुझसे करोगे नहीं, राइट? राइट। स्टाफ रूम में चलो, वहां चलकर तुम्हारी पर्सनल बात सॉल्व करते हैं। ओके सर। इसे मयंक सर के साथ क्या पर्सनल बात करनी है? तुम यहाँ? हाँ, वो तुम अपना टिफिन घर पे भूल आए थे तो वही लेकर आई थी। थैंक यू। मैं जाऊँ? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, तुम्हारी पर्सनल बातें बोलो। सर, मैं आपको काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि आप काफ़ी डैशिंग हैं और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आई मीन आपकी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लाइफ के हर टेस्ट में, 10/10 लाना चाहता हूँ। That's great, Rohan. लेकिन वो बिल्ट अप छोड़ो और जो पूछना है क्लियरली पूछ लो। सर, ये सब करने से मुझे लड़की मिल जाएगी? नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाय हैंडसम,
मेरे साथ डेट पे चलोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? व्हाट व्हाट? और तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? स्ट्रॉन्ग। और सर, और देखो मुझे इरिटेट मत करो, जस्ट गेट आउट। वेरी गुड सर, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम जाते हो या नहीं? चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रोहन देखो तुम मुझे इरिटेट मत करो, जस्ट गेट आउट। Yes, Samrat. This is it. लेकिन अब तो कोई आया कि नहीं? Oh no! कोई आए ना है, चश्मिश का फोन जरूर आता है। Yes, चश्मिश। Hi. So? कैसा लग रहा है? थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। वो तो होगी, लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे और फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। चश्मिश, मैं यहाँ फ्रेंड्स बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि टीम बनाने आया हूँ। टीम? अब वो अच्छे स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की टीम में रहने आया हूँ। वाओ, सम्राट और इतना फोकस्ड, ये तो पहली बार हुआ है। Well, चश्मिश, आजकल बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। And don't worry, सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम देखना सम्राट, जो तुम चाहोगे वो ही होगा। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। Sure? बिल्कुल। तो अब तक कोई आया क्यों नहीं है? कौन? मेरे कुछ दोस्त आने वाले थे, वो भी तक आए नहीं है। सम्राट, दोस्तों को भूल जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम बस निकलने की तैयारी करो। पहले दिन लेट नहीं हो सकते। मैं तो टाइम पर हूँ चश्मिश, वो लोग लेट हैं। क्या सम्राट, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ चश्मिश, मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ चश्मिश कि मेरा सपना क्या है? काश कि मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना पड़ता। Excuse me. यहाँ गर्ल्स बास्केटबॉल टीम के लिए सिलेक्शन हो रही है। Yes, yes. Please come. गर्ल्स बास्केटबॉल टीम? Yeah. Me too. And I'm Samrat. मैं तुम सब लोगों को कोच करूंगा, लेकिन अब भी एक प्लेयर की कमी है। मैं भी हूं ना। यह है तुम्हारी स्पेशल अदरक वाली चाय, इससे तुम्हें नींद बिल्कुल नहीं आएगी। थैंक्स। क्या पढ़ रहे हो? मिस्टर शर्मा। यस मिसेस शर्मा। एक आध क्वेश्चन तो बता दो ना प्लीज। प्रोफेसर शर्मा से पूछना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि एक मिनट। हाँ बोलो।
गुड ट्राई, चुपचाप पढ़ाई करो, मैं जा रहा हूँ। वो एक्चुअली नीचे सब्जी वाली के साथ मेरी डेट है। पहले तो अम्बा लेकर आती थी, पर थैंक्स टू यू अब मैं खुद सब्जी वाला बन गया। अच्छा, बहुत याद आ रही है ना अम्बा की। नहीं, जब तुम मेरे सामने होती हो तो मैं खुद को भी भूल जाता हूँ। तो ये अम्बा क्या चीज है? हाय, मैं मर जावा। अब जाओ सब्जी लेकर आओ और मुझे पढ़ाई करनी दो। इतनी मोटी किताब में कैसे पढ़ूंगी? कुंचन से पूछती हूँ। हेलो गुंजन, ये सब मुझसे नहीं होने वाला। हाँ प्लीज मुझसे ये सब मत करवाओ, नहीं तो मैं मरे ना भाग जाऊंगी। बाय गॉड। दी दी दी, एक मिनट, क्या हुआ? कल मेरा टेस्ट है। ओहो दी, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? एक तो तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम रिलैक्स होकर जाओगी तो टेस्ट अच्छा जाएगा, और इतना स्ट्रेस लोगी तो जो भी पढ़ा है ना सब कुछ भूल जाओगी। और सुनो, सुबह 4 बजे उठकर रिविजन करना, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। 4 बजे? हाँ दी, वैसे आज सम्राट का भी मॉक टेस्ट है, एंड आई एम श्योर तुम उससे ज्यादा प्रिपेयर हो, तो टेंशन मत लो। अच्छा दी, मुझे जाना है। ऑल द बेस्ट, बाय। गुंजन, गुंजन सुन दो। 4 बजे? आज तक मैंने सुबह के 4 बजते हुए नहीं देखा, और अब मैं पढ़ा। कुछ तो आसान तरीका सोचना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं चश्मिश को कुछ नहीं बता सकता कि मैं क्या करूं। पर सर, आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे दी से? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी। सॉरी सर, इसमें इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आज तक लाइफ में दी से कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा तो ठीक है, तुम घर जा सकती हो। सॉरी। पर सर, प्रैक्टिस? प्रैक्टिस टीम मेंबर्स करते हैं और तुम टीम में नहीं। सॉरी। पर सर, आप ही ने तो कहा था कि। इमोशनल ब्लैकमेल सम्राट का स्टाइल नहीं है। सम्राट डील करता है आमने सामने। तुम चश्मिश को कुछ नहीं बताओगी, बदले में तुम टीम में रहोगी। तुम भी खुश, मैं भी खुश, ऑल खुशी एंड नो गम। पर सर ये सोच लो, एक्सेल कॉलेज की पहली गर्ल्स बास्केटबॉल टीम, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। डील? डील। हालपुर बोलो। टेस्ट शुरू हो गया क्या? अभी नहीं, फिलहाल तैयारी चल रही है। अच्छा, पर तुम्हारी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, है ना? पता है, कल मेरा भी टेस्ट है, और ये सोच सोचकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। व्हाट? पर अभी तो एग्जाम में टाइम है ना? एग्जाम नहीं, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट लो, क्लास टेस्ट है और तुम इतनी चिंता कर रही हो। 2-4 चिट्स बना लो, पास हो जाओगी। चिट्स? सम्राट, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कॉपी करूं? ऑफ कोर्स पुर,
फाइनल एग्जाम में पढ़ लेना। जस्ट चल। सम्राट, तुम सर? ओके रुको, कोई मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा, बाय। सम्राट मेरे